हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपके रिजल्ट आने में डिले क्यों हो रहा है। बिकॉज आज एक ईमेल जो उनको कल किया गया था उसका रिप्लाई आ रखा था कि आपको बस एम्स की वेबसाइट रेगुलरली चेक करनी है। बट अगर बहुत से बच्चों ने मेल किया होगा तो उसमें सिर्फ यही मैसेज आ रखा था। बट अगर हमने कॉल पर बोला होगा तो कॉल पे उन्होंने ये बोला था कि आज शाम को 5 बजे तक आ सकता है। बट अभी 5 बज चुके हैं और अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो हो आपका रिज़ल्ट अब मंडे को आ सकता है या फिर आज आ जाएगा तो रात तक आ जाएगा, उसके बाद सीधे मंडे को आ सकता है। और आज पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी था, इस वजह से शायद कल नहीं आया आपका रिज़ल्ट। सो होप कि आपका रिज़ल्ट परसों या आज रात तक आ जाए। तो और ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि रिज़ल्ट आने में सिर्फ एक रैंक लिस्ट आनी होती है आपकी, उसके बाद आपका पर्सनल रिज़ल्ट अपने आप अगले दिन या उसके 2-3 दिन बाद आपको अपने लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ निकालना होता है, आपके जो पेज होता है उस पर आ जाता है। बस यहाँ पर रैंक लिस्ट आती है और काउंसलिंग स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ जुलाई तक ख़त्म हो जाएगी आपकी काउंसलिंग। तो अभी अपना टाइम वेस्ट मत करो, जब लिस्ट आ जाएगी तो सबको पता चल जाएगा। बट ये है कि अपना टाइम दिन का बचा के चलो। बार बार चेक कर सकते हो आप एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट, बट ये नहीं कि पूरे दिन खाली यही सोचते रहो कि रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो होप अपना टाइम बचा के चलो, और अपने लिए अगर आपने नीट का फॉर्म भरा है या किसी और एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ वो कर दो, क्योंकि आप एक ही एग्ज़ाम के पीछे नहीं रख सकते। सो होप कि आप समझ गए होंगे बात को, और बार बार चेक मत, मतलब यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियो बनाई जा रही है कि आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा, रिज़ल्ट अपडेट वगैरह की। तो होप आप उनके पीछे ना दौड़ें, और जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पर मैं लिस्ट डाल दूँगी।